दोस्तों, मुझे इस भाई का कमेंट आ रहा था कि सर, क्या खरगोश के पेट में गैस बनने से ही वो मर जाता है, और खरगोश के पेट में गैस कैसे ज्यादा बनता है। प्लीज इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाओ प्लीज सर जी। तो गाइज, ये जो कमेंट है बहुत ही अच्छा है और जरूरी कमेंट है, जिसे हर रैबिट लवर को भी जानना चाहिए। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में सब कुछ बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि खरगोश के पेट में गैस क्यों और कैसे बनता है, और गैस बनने के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इससे खरगोश की मौत भी हो जाती है या नहीं। तो गाइज, सभी पेट रैबिट लवर भाई बहन बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। अगर आप भी एक पेट रैबिट लवर हैं और अपने खरगोश से प्यार करते हैं तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके मौर्या और आप देख रहे हैं आरके पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि गाइज, मैं रैबिट से रिलेटेड वीडियोज ही बनाता हूं और आपको हमेशा यहां रैबिट से वीडियोज ही देखने को मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए गाइज, बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, खरगोश के पेट में गैस बनने से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, खरगोश मर जाता है या नहीं, ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि खरगोश के पेट में गैस बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या कारण होते हैं। नंबर वन, गैस बहुत ज्यादा केज या पिंजरे में रहने पर अगर खरगोश उछल कूद नहीं कर पाते हैं, उसे एक्सरसाइज वगैरह करने का, टहलने का, घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है, तब पिंजरे में परे परे उसे गैस की प्रॉब्लम आसानी से हो जाती है। नंबर टू, गलत डाइट यानी उल्टा सीधा खाना। गाइज, अगर आप अपने खरगोश को खरगोशों वाला खाना ना देकर चावल, दाल, पूरी, सब्जी यानी तेल मसाले से बनी चीज और मिठाइयाँ वगैरह खिलाते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट यानी हाई न्यूट्रिएंट्स गेन हो जाता है, तब भी उन्हें बहुत ज्यादा गैस की समस्या होने लगती है। नंबर थ्री, बहुत ज्यादा हरी पत्तियाँ देना। गाइज, अगर आप अपने खरगोश को बहुत ज्यादा हरी पत्तियाँ जैसे पत्ता गोभी, मूली के पत्ते या वाटर स्पिंच, पालक, इसी तरह के तमाम नरम पत्ते खिला देते हैं, तब भी आपके खरगोश को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और गाइज, इसी तरह के तमाम रीजन होते हैं खरगोश के पेट में गैस बनने के। और गाइज, अब बात करते हैं कि खरगोश के पेट में गैस बनने से क्या क्या प्रॉब्लम यानी साइड इफेक्ट होता है। नंबर वन, खरगोश के पेट में गैस हो जाने पर वो खाना पीना छोड़कर एकदम सुस्त होकर बैठा रहता है और जरा भी एक्टिव आपको नहीं दिखता है। नंबर टू, खरगोश के पेट में गैस हो जाने पर उसे हार्ट अटैक वगैरह होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और खरगोश के गैस का इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए आप गैस वाली प्रॉब्लम को कभी भी इग्नोर ना करें। नंबर थ्री, खरगोश के पेट में गैस हो जाने पर उसका पेट एकदम टाइट हो जाता है और हल्का हल्का आपको फूला हुआ भी नजर आएगा, जिसे आप छूकर भी पता लगा सकते हैं, और उसके सुस्त होकर बैठने पर उसकी आंख से हल्का हल्का पानी भी गिरता है, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि वो गैस की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है, दर्द में है, और उसको अंदरूनी पीड़ा भी है। और गाय, जब बात करते हैं कि अगर खरगोश को गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तब आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके प्यारे बेबी बन्नी की जान ना जाए और आप उसे सेव कर सके। तो गाय, जब भी आपको लगे कि आपके खरगोश को गैस की प्रॉब्लम हो गई है, वो बिल्कुल सुस्त रहता है, परेशान है, तब आप उसे अदरक का रस 1 ml तुरंत निकाल कर दे दें, और फिर कुछ घंटों बाद आप उसे 0.5 ml लहसुन का रस भी दे सकते हैं, और फिर कुछ घंटों बाद आप उसे एक चुटकी अजवाइन को 2 ml पानी में उबाल कर उसका पानी भी खरगोश को दे सकते हैं, जिससे उसे गैस की प्रॉब्लम को कम करने में काफी मदद मिलेगी। ये तो गाइज हो गया घर पर ही घरेलू उपचार का तरीका, और अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं या फिर आपका खरगोश इन सब चीजों से ठीक नहीं होता है, तो तुरंत आप उसे अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाएं, वरना देर या लापरवाही हो जाने पर उसकी मौत भी हो सकती है। और गाइज, कुछ जरूरी बातें और भी हैं जो रैबिट लवर को जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपके प्यारे बेबी बनी को गैस की प्रॉब्लम ही ना हो। जैसे, आप हमेशा अपने प्यारे बेबी बनी को केज या पिंजरे में कैद करके ना रखें, और उसे हरी पत्तियां, नरम चारा, ये सब पानी वाली चीजें बहुत ज्यादा ना खिलाएं, जिससे उसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो, और आप तेल मसाले से बनी हुई चीजें और मिठाइयाँ वगैरह भी अपने खरगोश को खिलाने से बचें, भले ही वो इन सब चीजों को बहुत शौक से खाता हो। और आप हमेशा अपने खरगोश को हरी घास जैसे दूबा घास, तिमोथी, जई घास, रिजका घास, बरसीम यानी अल्फा अल्फा, यही सब चीजें 80% तक खिलाएं, और 20% में आप फल, सब्जियां, हरी पत्तियां, ट्रीट, पैलेट्स, ड्राई फीड, ये सब चीजें ही खिलाने की कोशिश करें, जिससे आपका खरगोश हमेशा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और गाइज, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।